वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आज बहुत प्राउड मोमेंट है। ये लड़का मुझे जानता नहीं है। मैं जो एक बार लाइफ सेंसर में आया, उन्होंने कहा कि गैरी सर मुझे भी जॉब मिल गई, टीयर टू की जॉब मिल गई, और मैं इंडिया से विदाउट एजेंट आया हूँ, और मैं हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट हूँ, और मेरा नाम राहुल है, और मैं दिल्ली से हूँ। तो सर प्लीज मेरे से बात कीजिए। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर पहले आप वीडियो बनाओगे? मैं थोड़ा एडिट कर रहा था। कहते नहीं सर बनाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। जो लोग मेरे गैरी टीवी के सब्सक्राइबर हैं, चाहे यूके बैठे हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, उनके लिए बहुत मोटिवेशन स्टोरी आज। जैसे अंकिता नाम की एक लड़की हमने पहले देखा था, वो आई थी यूके में, इवन 2018 पास आउट थी, बॉम्बे चलेगी, फिर वापस मेरे वीडियो देखकर आई थी। आज राहुल से पूछे, राहुल कैसे यूके में आया है वर्क परमिट लेकर, वर्क वीजा लेकर, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट टू एनीवन, और आज ये लंदन होटल में बैठा है, क्वारंटीन कर रहा है, जो कि बहुत इमोशन की बात है। आज राहुल की जर्नी देखकर, राहुल की निगाह से, और प्लीज गाइस हो सके तो वीडियो दिल खोल के लाइक करना। मैं आपके लिए वीडियो भाग भाग कर लेकर आता, मोटिवेट करने के लेकर आता। सेकेंडरी में आपको ये भी आज ये कहना चाहूंगा, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पहला यूट्यूबर यूके जो जिसके 18.5 साल हो गए इस कंट्री में, और जिसने हर चीज देखी है ए बी सी इस कंट्री में, और स्ट्रगल किया है एज ए फॉर्मर स्टूडेंट। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दिल खोल के लाइक करो। वेलकम राहुल, थोड़ा सा बताएं आप कहां से हैं और आपने क्या स्टडी की है, पहला क्वेश्चन बताएं प्लीज। मैं न्यू दिल्ली इंडिया से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन की है होटल मैनेजमेंट में, आईएचएम यूनिवर्सिटी से की है मैंने। आईएचएम से कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं? मैं 2014 पास आउट हूँ, और आई एम हैविंग एक्सपीरियंस अराउंड 5 or 6 ईयर इन क्यूएसआर जेन। ओके, क्यूएसआर, हमें क्यूएसआर का तो पता नहीं, फुल फॉर्म बता दे तो अच्छी बात रहेगी जो पब्लिक को नहीं पता है। क्यूएसआर होते हैं सर, जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, केएफसी, तो ये सब सर क्यूएसआर चेन होते हैं, और इसमें मतलब काफी स्कोप भी होता है। ओके, तो मैं अब आपको ने कहा कि आप 2014 के ग्रेजुएट हो, तो पहले मैं आपके शुरू में पब्लिक को ज्यादा आपका वर्क जब आपने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, और कैसे अब लास्ट 5-6 साल में आपने कितना ग्रोथ किया पहले, अभी बाद में आएंगे यूके कैसे पहुंचे, बताना प्लीज। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ग्रेजुएशन की, तो कॉलेज से कैंपस इंटरव्यू होते हैं, तो कैंपस इंटरव्यू में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैकडोनल्ड्स के साथ काम करने के लिए। तो एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया था मैंने 2014 में। फिर मैंने वहां पे इंडिया में ही दिल्ली में अराउंड 4.5 ईयर्स काम किया मैकडोनल्ड्स के साथ। फिर उसके बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, एक सिनेमा चेन है इंडिया में, उसके साथ काम करने के लिए, तो मैंने एज ए ड्यूटी मैनेजर वहां पे ज्वाइन किया। वहां पे मैंने 1.5 ईयर काम किया। फिर उसके बाद एज यू नो 2020 में काफी पैंडमिक हुआ इंडिया में, सारी चीजें बंद हो गई थी, सारे क्यूएसआर चेन्स बंद थे, रेस्टोरेंट, मार्केट, सिनेमा सब इफेक्टेड थे उससे। तो तब मैंने जॉब छूट गया था मेरा वहां से। उसके बाद मेरे जैसे मेरा क्या कई मेरे जैसे लड़के मेरा भी छूटा है, वहाँ पे तो कई लोगों को प्रॉब्लम हुआ, कई चीजें फेस करनी पड़ी, पूरा जॉब नहीं है वहाँ पे, मार्केट में बिल्कुल जॉब नहीं थे। फिर उसके बाद जब मैं 2021 में अराउंड जैन में मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, मैं अप्लाई करता रहता था, कहीं ना कहीं इंटरव्यू भी देता रहता था, तो तब से मतलब मैं ढूंढ ही रहा था जॉब। तो okay. उसके बाद 2021 में आप तक जॉब, अब एक साल पहले जॉब खो दी 2020 में, और आप एक ग्रेजुएट हो होटल के। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा आपको मेरा चैनल कैसे मिला, बिकॉज आप फिर पूछूंगा आपने जॉब कैसे ढूंढी और वर्क परमिट कैसे लिए। पहले आपको मेरा चैनल कैसे मिला और कब से मेरे वीडियो, आप मेरे दो चैनल, एक और भी गैरी बैकपैकर भी है जो यूरोप में, दोनों पे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है आपको। अच्छा, आपको मेरे चैनल कैसे मिला, आपको मेरे चैनल में सबसे अच्छी बात क्या लगी जो आज मेरा, जब मुझे पता लगा मुझे यूके के लिए इंटरव्यू देना है, तब उसके बाद मैंने YouTube पे ना यूके के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो जब मैंने यूके लाइफ, यूके अपॉर्चुनिटीज करके डाला, तो मुझे सबसे ऊपर आपका चैनल आया सबसे। तो मैंने काफी वीडियोस आपके देखे, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगे मुझे, तो मैंने आपको फॉलो किया और बाकी सभी वीडियोस देखे कि आपने काफी चीज बताई थी उसमें कि कैसे आना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, तो मैं आपको फॉलो करता गया, तो मुझे काफी इंफॉर्मेटिव चीजें लगती थी, तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता था। ओके, दैट्स फाइन। तो आप मुझे बताएं आपने ये यूके की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी सबसे पहले, एंड सेकंडली बताएं कितना टाइम लगा आपको जॉब प्रोसेस यूके के लिए। थर्ड थिंग बताएं कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से थे, फिर आगे पूछेंगे आपसे। एक्चुअली प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है, जब आपका इंटरव्यू होता है तो टाइम लगता है, अराउंड 4-5 महीने का पूरा प्रोसेस हुआ मेरा, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू वगैरह सब लगा के, वीजा, इमिग्रेशन लगा के, सब चीज लगा के, तो अराउंड 5 months तो लगे। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं एक्चुअली जॉब इंडिया के लिए ही ढूंढता था बेसिकली, तो मुझे पोर्टल पे नोटिफिकेशन आया कि सेम प्रोफाइल के लिए
यूके में भी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैंने वहां पे जस्ट अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरा अदरवाइज मेरा कोई प्लान नहीं था यूके आने का। कौन सी वेबसाइट थी, सॉरी बताएंगे थोड़ा, कौन वेबसाइट, naukri.com, naukri.com वेरी फेमस प्रोफाइल है वो, अच्छी साइट। मुझे नहीं पता, मैंने कभी इंडिया अप्लाई नहीं किया, तो मुझे पता naukri.com कौन सी वेबसाइट है। naukri.com ओके फाइन, इंडिया में काफी फेमस है वो जॉब के लिए, तो मैंने वहां पे मुझे नोटिफिकेशन आया था, वहां मैंने अप्लाई किया। एक्चुअली मैं दिल्ली के लिए ही कर रहा था, लेकिन यहाँ का अपॉर्चुनिटी मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया। एक्चुअली जब मेरा कोई प्लान नहीं था, इवन मेरे पे पासपोर्ट भी नहीं था जब मैंने अप्लाई किया था। कौन से महीने में अप्लाई किया था रफली पता है आपको? मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था फेब में, एक्चुअली जॉब के लिए मैंने फेब में अप्लाई किया था, और जिस दिन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, स्क्रीनिंग हुई थी बेसिकली, तो उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने मुझे पूछा डू यू हैव पासपोर्ट, तो मैंने उन्हें क्लियरली सच बताया था कि सर आई डू नॉट हैव एनी पासपोर्ट राइट नाउ, बट मैं अप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। और मैंने उसी शाम को इंटरव्यू के जस्ट बाद मैंने अप्लाई भी कर दिया था, और विद इन अ वन मंथ मेरा पासपोर्ट आ गया था। आपकी इंटरव्यू बताएं कितनी स्टेज में हुई थी, और कब बताया उन्होंने कि आपको जॉब ऑफर कर दी यूके में, और आपका जॉब टाइटल क्या था? जॉब टाइटल क्या है आपका? जॉब टाइटल है मेरा स्टोर मैनेजर का। स्टोर मैनेजर ओके। अब बताएं कि आपको कितनी स्टेज में आपकी इंटरव्यू, और आप स्टोर मैनेजर लेकर आप कैसे आए, बताएं थोड़ा सा पब्लिक को। सबसे पहले इंटरव्यू जो हुआ था बेसिकली वो स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें बेसिकली मेरे प्रोफाइल के बारे में पूछा, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा, बस यही हुआ था। फिर उन्होंने जब स्क्रीनिंग मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था, जिसमें बेसिकली फिर से पर्सनल क्वेश्चंस थे थोड़े, और अबाउट माय एक्सपीरियंस, माय क्वालिफिकेशन, माय फैमिली बैकग्राउंड, तो फर्स्ट राउंड ये हुआ था। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ था, उसमें ऑपरेशंस के और भी लोग थे, तीन चार लोगों का ग्रुप था, जो इंटरव्यूअर्स थे तीन चार थे, तो उन्होंने मेरे से जो मेरे सिस्टम मैंने हैंडल किए थे, जो मेरा वर्क प्रोफाइल है उसके अंदर जो उसके अंदर बेसिकली अंदर के क्वेश्चन जो होते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे हैंडल करते हैं, जो सिस्टम मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली सिस्टम्स रिलेटेड, वो क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उसके बाद मेरा एक और राउंड हुआ, जिसमें जो कंपनी के सीईओ थे वो भी थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कुछ, और जो एग्जांपल दो क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन एग्जांपल दे दो, बेसिकली जो हमारा वर्क प्रोफाइल होता है, हमें रूस्टर बनाना होता है, जो हमारे स्टोर के और भी मेंबर्स होते हैं, रूस्टर होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे थे, और जो ऑर्डरिंग करते हैं आप बेसिकली फूड ऑर्डर्स होते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन जो हमारे रिलेटेड होते हैं वो सब उसके बारे में पूछा था बेसिकली। तो फिर तीन चार राउंड इंटरव्यू हुए थे, फिर तीन स्टेजेस के बाद उन्होंने फिर मुझे मेल आया कि यू हैव सेलेक्टेड फॉर द प्रोफाइल, तो फिर उसके बाद जो मेरा प्रोसेस था वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो एक्चुअली कंपनी ने ही एक जो सब एक नंबर दिया था मुझे, तो बेसिकली उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए और किस किस वे में चाहिए, तो उन्होंने मुझे मेल किया था, तो उसमें क्या था, मेरी जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो चाहिए थी, कॉलेज की डिग्री चाहिए थी, और आईलेट्स का काफी इशू रहता है कि आईलेट्स करने पड़ेगी नहीं करने पड़ेगी, तो मुझे आईलेट्स भी नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में था कि आपका जो आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन की है, अगर भी यूनिवर्सिटी एक एनओसी देती है आपको कि जो भी आपने कोर्स किया है, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, दे आर टॉट इन इंग्लिश, दे आर इंस्ट्रक्टेड इन इंग्लिश, तो वो मुझे यूनिवर्सिटी से बनवा के ले आया था मैं, तो मुझे आईलेट्स भी नहीं करनी पड़ी थी, आईलेट्स का भी कोई इशू नहीं हुआ। और इसके अलावा जो इमिग्रेशन प्रोसेस रहता है, जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट होते हैं, टीबी टेस्ट होता है, बाकी सब वो चीजें थी, तो जैसे जैसे वो मांगते गए मुझसे डॉक्यूमेंट्स, मैं उन्हें प्रोवाइड करता गया, तो फिर उन्होंने मुझे कंपनी ने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके दी, फिर वीएफएस, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो सब मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो खुद करवाते हैं, तो आपको जस्ट उनके जो मेल्स आते हैं उन्हें फॉलो करना होता है, और जो डेट्स वो देते हैं उन पे जाके और वो सब सबमिट करना होता है। तो मैं वीएफएस गया, उन्होंने मुझे कुछ लेटर्स प्रोवाइड किए थे, बोला था कि जो टीबी टेस्ट चाहिए होता है यूके आने के लिए वो करा के ले जाइएगा, तो उन्होंने सेंटर भी दिए हुए थे कि सेंटर से करा सकते हैं आप, तो मैं वो सब लेके गया वीएफएस पे, मेरे बायोमेट्रिक्स हुए, सब इजिली हो गया, कुछ इतना इशू नहीं हुआ था। बस ये है उस टाइम जब मेरा प्रोसेस था, उस टाइम दिल्ली में लॉकडाउन था काफी, तो मेरी कई अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई लॉकडाउन की वजह से,
और फिर फाइनली मुझे एक डेट मिल गई और VFS मैंने बात की, तो उस टाइम VFS खुल चुके थे, आप अपॉइंटमेंट से जा सकते थे, तब मैं गया, बायोमेट्रिक्स वगैरह हो गया, सब काम मतलब प्रॉपरली हो गए थे। अब मेरे पास बहुत क्वेश्चन है आपके इस बात से। पहले बताइए कि आपकी जो जो वीजा फीस है टीयर टू की वीजा फीस किसने पे की है। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बड़े क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, अब मेरी टर्न है आप बहुत। जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो आप होटल क्वारंटीन कर रहे हो इसकी फीस किसने पे की, पहले ये बताएं दो। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि जो मेरा वीजा का पैसा था, मेरा होटल क्वारंटाइन का पैसा था, वो सब मुझे कंपनी ने प्रोवाइड किया है। आई हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन वीजा और इन होटल क्वारंटाइन। ओके वेल डन। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे फिर ये है कि कितना आपको कब जॉब फाइनल ऑफर मिली, जैसे मार्च में मिली कि फरवरी मिली, और उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की VFS, आई नो आपकी कैंसिल हो गई थी, उसके बाद कितना टाइम लगा आपको वर्क वीजा मिलने में? वर्क वीजा एक्चुअली VFS में ज्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 15 डेज लगे थे, तो वीजा मेरा आ गया था घर पे, बाय पोस्ट आया था, तो कोई इशू नहीं था, मैंने पोस्ट फैसिलिटी ली थी, तो वीजा मेरा घर पे आ गया था, विद इन 15 डेज आ गया था। और बोले बोले बोले। तो 15 डेज में आ गया, आपको फाइनल जॉब ऑफर मेल कब आई थी, जब आपने तीनों राउंड क्लियर किए जब मेरे हैं? लास्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया था, आई थिंक मार्च में मुझे जॉब ऑफर ऑफर लेटर मिल गया था, जिसमें सब कुछ मेंशन था, पैकेज वगैरह सब चीज मेंशन था उसमें, आपके वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, तो सब चीज अच्छे से हो गया था, ऑफर आ गया था मेरा। फिर उसके बाद जो प्रोसेस हुआ, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑन दिस थिंग्स। तो गाइस वीडियो को दिल खोल के लाइक करो, प्लीज लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 18 साल से आप जैसे जो हीरो हैं, जैसे राहुल जैसे हीरो हैं लेकर आता हूँ, जिन्होंने एक पैसा पे नहीं किया, ना होटल का किया, ना क्वारंटीन का अभी तक किया, बाकी भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो वीडियो दिल खोल के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेस्ट चैनल आपको मिडिल क्लास फैमिली के लिए कहीं नहीं मिलेगा। तो राहुल मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत प्राउड मूवमेंट करूँ, मैं रोना नहीं चाहता। मैं कल भी रोया, एक लड़के को ना कैरी बैग पर इलेक्ट्रिशियन की जॉब मिल गई, वो दुबई से, एक भी पैसा उसने भी नहीं पे किया। तो ये भी मेरे दोनों चैनल के सक्सेस के लिए है, और मुझे पैसे का फर्क नहीं था, लेकिन कितने लोगों को जॉब मिलती है मेरी सक्सेस उतनी ऊपर बढ़ती जाती है। तो सेकंड मोमेंट इज गुड मोमेंट इन माय चैनल दिस वीक विद गैरी टीवी के लिए। तो राहुल ये तो आपने सारी मेहनत खुद की है, तो एक चीज बताऊंगा, बड़ा दिमाग में एक क्वेश्चन है, CV कब लेटर मैटर करता है अच्छा बनाना एक जॉब ढूंढने के लिए यूके के लिए? सीवी कवर लेटर एक्चुअली जो मुझे पर्सनली लगता है तो वो नहीं करता है मैटर सीवी का कवर लेटर, क्योंकि जो मेरा रिज्यूमे था सिंपल था बिल्कुल, जो उसमें क्या था, जो मेरी पर्सनल डिटेल्स थी, उसके बाद मेरी एजुकेशनल डिटेल्स थी, उसके बाद जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, जो मैटर करता है, मुझे लगता है आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। तो मेरे पे जो रिज्यूम था मैंने अपडेट किया था उसमें कोई कवर लेटर नहीं था, सिंपल बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ वही डिटेल्स थी मेरी, और जो थी वो बिल्कुल 100% एक्चुअल डिटेल्स थी। डिटेल्स ओके। तो अब ऐसे हो गया, आपका सारा खर्चा इन्होंने उठाया है, क्वारंटीन भी इन्होंने दिया है। मैं आपके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा, होटल क्वारंटीन का एक्सपीरियंस क्या रहा है, एयरपोर्ट का, वो अलग वीडियो बनेगा आपके साथ, वो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, सेकंड वीडियो बनेगा आपके साथ, बिकॉज यू गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड यू केम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड विच पब्लिक वॉन्ट्स यू टू सी इट। आप बताओ आपका रहने का खर्चा यूके में कैसे ढूंढा अपने घर, आपको जॉब करनी है, सेकेंडली रफली आपकी सैलरी क्या है यूके में, थर्ड क्वेश्चन इज आपकी फ्लाइट की कॉस्ट किसने पे की? तीन क्वेश्चन पूछे हैं, अभी मेरा होमवर्क पूरा फर्स्ट हुआ ऑफ है। ऑल मैं बताता हूँ, जो मेरी फ्लाइट की कॉस्ट है वो मैंने खुद पे किया है, तो इतना कुछ ज्यादा ज्यादा खर्चा नहीं था। फ्लाइट की जो चार्जेस कितना थे, आया जो खर्चा, ट्रेवल फीस थी, तो कितना खर्चा आया? मैं विस्तारा से आया था, विस्तारा में इकोनॉमी क्लास अराउंड 30,000 में हो गया था, कुछ डिस्काउंट था आप उस तो टाइम बहुत पे, तो लकी, थर्टी थाउजेंड में हो गया। मेरे तो एयर इंडिया ने पैसे वापस जाने के लिए, तो जो लोग यूटर एयर इंडिया में तो मत, वो पैसे रिफंड नहीं करते हैं, विस्तारा और ब्रिटिश एयरवेज में आ जाना भाई, जो भी लोग इंडिया से आ रहे वो जो कैंसिल की फ्लाइट हो जाती है ना इंडिया की, ये पैसा रिफंड नहीं करते हैं। मेरे तो अभी तो जनवरी के पैसे फंसे हुए। तो अब अगला बताइए आपको अकोमोडेशन का, बताइए अकोमोडेशन आपने कैसे ढूंढी है और आपकी सैलरी रफली कितनी है? एकोमोडेशन का मैं बताता हूँ, एक्चुअली कंपनीज को पता होता है कि कोई फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है बाहर से, तो एकोमोडेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो इतना इजीली नहीं होता किसी के लिए, अगर कोई बाहर से आ रहा है, एकोमोडेशन मिल जाए या ढूंढ ले, नॉलेज ही नहीं होती कैसे होगा, तो इसीलिए कंपनी जो है वो इनिशियली 1 or 2 months का एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रही है, तो ये काफी रिलीफ की बात है, और विद इन 1 or 2 months यू कैन मैनेज विद योर ओन, तो ऑफ कोर्स यू हो कैन मैनेज। जाएगा। दोस्त आपकी जॉब लंदन में, कौन से शहर में आपकी जॉब, से पूछा नहीं मैंने आपसे। नहीं, लंदन से मुझे अभी फाइनल लोकेशन नहीं मिली है, तो मे बी इन लिवरपूल और मे बी इन शेफील्ड। ओ लिवरपूल शेफील्ड में, ओके। काश बर्मिंघम में होते तो मैं आपको कॉफी पर डिनर करता, मैं प्राउड मोमेंट से कहता कि देखो मेरे सब्सक्राइबर ने जॉब ले ली विदाउट विदाउट पेइंग एनी फीस टू एनी एजेंट। तो ये था मेरा क्वेश्चन था आपके लिए,
पैसे के बारे में, आपकी सैलरी कितनी है रफली? आई नो यू कांट टेल एग्जैक्टली, रफली जैसे 10 सैलरी में बेसिकली अगर आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत 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 ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में नहीं है पे स्केल इतना, कितना इंडिया में कोई भी चेन हो इतना नहीं देती। और आप अगर यहाँ के पे स्केल, इंडियन पे स्केल से देखें तो बोलो, जो आपका मिनिमम पे स्केल जो सब पॉइंट सिस्टम में दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो आपको बेसिकली इनिशियली वही मिलता है, तो अराउंड आपको पता ही है सर कितना है, 21 लाख है। चलो मैं पता लग, मैं बोल सकता हूँ 21 लाख रफली है। तो इंडिया में यहाँ पर आपकी सारी रफली 21 लाख है, प्लस आप ओवर टाइम करके शायद ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे कि नहीं? ओवर टाइम का एक्चुअली मुझे ये नॉलेज नहीं है अभी, ओके, क्योंकि कितने मेरे कितने आवर्स कॉन्ट्रैक्ट है आपका? 48 आवर्स का आपको वीकली काम करना है, 48 आवर्स, 48 आवर्स करना आपको। तो आपकी सैलरी रफली जो लोग देख रहे हैं इनकी रफली सैलरी 21 लाख है। इंडिया में सैलरी कितनी थी आपकी रफली? या 21 लाख इंडिया में जो मैंने लास्ट जॉब की थी मुझे इन हैंड 30,000 मिलता था, कट पिटा के सब PFVF कट के 30,000 मिलता था। तो इंडिया में अभी सैलरी सारी 2,40,000 आ रही थी, तो 12 से गुना करेंगे 30 को, तो आप, और देखो गाइस कम ऑन, इंडिया में 2,25,000, 2.5 लाख लगा लो, चलो 2.5 लाख राहुल लेता रहो, यहाँ इसकी सैलरी 21 लाख है। तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज अप्लाई कीजिए, totaljobs.com है, CV Library है, इवन Naukri.com से अप्लाई किया है, मुझे नहीं पता था वर्क वीजा नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कई लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मुझे फोन करते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, कौन सी कंसल्टेंसी से आए, कैसे हुआ, कितने पैसे लगे। मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंसल्टेंसी से नहीं आ सकते हैं, आपको वर्क वीजा नहीं करा सकते हैं, तो वो मानते नहीं है ये बातें। पंजाबी तो दिल्ली के बिल्कुल नहीं मानते, और इनके साथ फ्रॉड होता है, जब फ्रॉड होता है तब रोते हैं। फ्रॉड होता है, आप इतनी मेहनत से आप सेविंग्स करते हैं, 10-15-20 लाख रुपए एजेंसी मांग लेती है, आप 10-15-20 लाख रुपए सेव करना इंडिया में बहुत बड़ी बात है, और आप वो किसी एजेंट को दे दो, एजेंसी को दे दो, तो ये बहुत बहुत बेकार है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, और लेकर भाग जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। देखो 15 लोगों दाना डालते, 2 फंस गए तो उनके 30 लाख बन गए महीने के, फिर अपना ऑफिस बंद कर भाग जाते हैं। यूके में कोई ऐसा ई वीजा नहीं है जो मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, इंश्योरेंस पहले पे करो, पहले मेडिकल, सब लोग बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि बनना चाहते हो, ये लेजी है, ये ऑडियंस भी लेजी है, खुद अप्लाई नहीं करते, एजेंट ले जाए, ऐसे कोई लेकर यूके में तो कोई लेकर नहीं जाए, लेजीनेस छोड़ो, मेरे सब्सक्राइबर लेजी है। तो राहुल चलो ये तो आपने खुलकर बताया, विश यू वेरी वेरी गुड लक, आप लीवर शेफील्ड जा रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर को आपको टीयर 2 वीजा मिला है, कितने साल का मिला आपको टीयर 2 वीजा? कितनी देर का मिला इनिशियल स्टैम्प, कितनी देर की लगी आपकी पासपोर्ट पर, सॉरी आई नो बायोमेट्रिक अभी मिलेगी आपको, पर कितनी देर की मिली है? 5 years। आपको 5 साल का मिलेगा, वाओ वेल डन, आई एम सो मच प्राउड ऑफ राहुल, एंड राहुल यू आर वेल डन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ, थैंक यू। आपकी शादी होगी? आई नो दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट टू यू, बट आपकी होगी शादी? नहीं आई एम सिंगल। सिंगल, ओके फाइन। सो गाइस ये था राहुल जी, राहुल दादा एक मैसेज दे दो मेरे ऑडियंस को कि आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग इंडिया बैठे हैं, पाकिस्तान अप्लाई, यूके या किसी कंट्री जाना, व्हाट यू वांट टू से इन वन लाइन? मैं गैरी सर के सब्सक्राइबर और जो भी लोग ये देखते हैं चैनल को, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि एजेंट्स के और कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़े, और आपको जॉब चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, खासकर कि हॉस्पिटलिटी लाइन के जो होटल्स के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, और पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, और जैसा कि गैरी सर बताते रहते हैं छोटी जॉब्स भी हैं, आप डिलीवरी भी कर सकते हैं, और बहुत सी जॉब्स हैं, आपको बस जाना है गूगल पे, जैसे जैसा गैरी सर गाइड करते हैं वो फॉलो करना है, अप्लाई करना है, जस्ट आप अप्लाई करते रहिए, कीप ट्राइंग, और डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी। लास्ट चीज में आपको मेरे चैनल ने हेल्प की है यूके में जॉब ढूंढने के लिए? हाँ जी बिल्कुल हेल्प की है, और मैंने अपने काफी फ्रेंड्स हैं उन्हें बोला हुआ है, तो वो भी आपके चैनलों से हेल्प लेते हैं और देख के अप्लाई कर रहे हैं, और कई बार रिप्लाई आता है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू भी होते हैं, अब वो उनका थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कि आप पे कितने इंटरव्यू आ रहे हैं, थोड़ा कितना टाइम लग रहा है, होगा नहीं होगा, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादातर एक चीज और कर दीजिए, अगला वीडियो बनाएंगे क्वारंटीन का, थोड़ा होटल दिखा दो लंदन का, क्योंकि ये बच्चे जो दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, इनको थोड़ा होटल कमरा दिखा दो, आपको देख ले होटल, थोड़ा मैसी है पर मैं दिखा देता हूं, हम सब ऐसे ही है, मेरा कमरा खुद मैसी है,
दूर है ये वॉशरूम, मैं खोलो मेरा दिखाता वॉशरूम, दिखाओ हूँ दिखाओ वॉशरूम दिखाई, अरे बाप रे वाओ। ये वॉशरूम, शावर ओके मिला हुआ ओके है, नाइस नाइस। रूम और ये कबर्ड भी दिखा देता हूँ मैं, कबर्ड दिखाओ में दिखाओ, आपको प्रेस मिला है, हैंगर्स हैं, काफी गुड अच्छा है, और ये आपको टी किट मिली हुई है, आप जब भी चाहें अपना चाय कॉफी बना सकते हैं, पी सकते हैं, गुड राहुल। और इस सोफा मिला है बैठने के लिए, देयर इज अ बिग मास्टिव बेड, रूम किंग साइज है ना, बेड, मास्टिव रूम, रूम बड़ा बड़ा है ना, थोड़ा बाहर दिखाना हाँ मेरे को, रूम ऐसा अच्छा भी है टीवी भी है, टेली भी है, बाहर दिखाना मेरे को रूम, अंदर कैसा दिखता ओके। लंदन एक्चुअली ये थोड़ा अंदर का एरिया दिख रहा है आपको, रेडिसन होटल है ये, हिथ्रो है। रेडिसन में ही, होटल है ओके, इत्र में। तो थैंक्स राहुल आपका बहुत बहुत दिखाने का। तो कैमरा अपनी तरफ कर लो, वीडियो खत्म करते फिर अगला वीडियो शूट करूंगा मैं आपसे क्वारंटीन का इसके बाद। तो ओके गाइस ये थे ओके राहुल जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है, राहुल की लाइक करना, राहुल का वीडियो कैसा बताना वीडियो में, और अगला वीडियो कौन सा चाहते हो, और आप कितनी जॉब अप्लाई कर रहे हो, सीवी अप्लाई बना लिया कवलेट सब लिखना वीडियो, आप कौन हो, मेरे फैन हो, नाम क्या है, ताकि आगे जाकर मैं भी आपका सपोर्ट कर सकूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं 18 साल से रह रहा हूँ, ऑन द मीन टाइम आप जहां रहे खुश रहे बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और प्लीज इंस्टाग्राम पर आ जाओ, कोई बात करने का मन करता है, मेरी आईडी रियल गैरी कमांड स्क्रीन पर दिखे, जहां पर राहुल कनेक्टेड है आप वहां भी मेरे से बात कर सकते हैं, मैं 10-15 लोग का रोज रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक बाय, टेक केयर, लव यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।